किधर जाके आप लोग शाला यानी ग्लेशियर आखिरी ग्लेशियर जाते हैं कैसा लगा वहाँ जाके? बहुत खूबसूरत बहुत खूबसूरत है। अभी हम लोग ने जाने जाना है। अच्छा पहुँचेंगे या नहीं? हम लोग पहुँचेंगे। अच्छा हाँ भाई आप वालेकुम। क्या हाल है? किधर जाके आप लोग? शाला यानी ग्लेशियर आखिरी ग्लेशियर जाते हैं कैसा लगा वहाँ जाके? बहुत खूबसूरत बहुत खूबसूरत है। अभी हम लोग ने जाने जाना है। अच्छा पहुँचेंगे या नहीं? हम लोग पहुँचेंगे। अच्छा हाँ भैया ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज हम आपको लेकर जा रहे हैं यानी सियाचिन ग्लेशियर की तरफ। यानी आप लोग सोच सकते हैं ये भी एक सियाचिन ग्लेशियर है, हिमालयन ग्लेशियर। यहाँ पर आप बहुत लोग कम आते हैं, आज हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे यहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर, क्योंकि बर्फ़ अभी तक यहाँ पर बर्फ़ है। यहाँ से पानी की ऐसा आते यहाँ पर अभी तक यहाँ पर बर्फ़ बन हुए, क्योंकि आज हम गांव से निकले थे आप लोगों को ये खुशी दिखाने के लिए। और आज यहाँ पर करीब हम पहुँचने वाले, इंशाल्लाह हम आपको दिखाएँगे। मेरे जो पीछे जो घर है इसकी भी एक पुराने वहाँ से एक कहानी है। यहाँ पर हमारे बुजुर्ग लोग कहते हैं इसके, है ना, यहाँ पर बहुत साल पहले यहाँ पर एक हमारे एक दादा यानी दादा की फौत हो चुके थे। तो हमारे लोगों ने यहाँ पर एक बहुत ही तकलीफ यानी सोचा था कि इसको घर ले जाने के बजाय यहाँ पर दो तीन बंदे थे, इन लोगों ने यहाँ पर जनाजा पड़ा और यहाँ पर इसको इसी कमरे में यहाँ पर रखे ना, इसके यहाँ पर पत्थर लगा के इसको यहाँ पर छोड़ के वो गांव वापस चले गए। जब वो लोग गांव पहुँचे तो हमारे गांव वाले लोगों ने इनके ऊपर ऐसे ताने लगे और ऐसे गालियाँ दी और गांव से फिर लोग आके इसको यहाँ से उठा के फिर गांव ले जाए। इसी तरह बहुत सारे कहानी यहाँ पर जुड़े, लेकिन हमें इतना याद नहीं जो हमारे बुज़ुर्ग लोगों ने थे, इतना हमें जान पहचान थे, इसलिए आप लोगों को इतना हमें शेयर किए। अभी
इंशाल्लाह हम लोग ग्लेशियर के करीब पहुँच गए और आप लोगों को वहाँ पर दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ से हम लोग इंडिया भी बिना वीज़ा के हम यहाँ से इंडिया भी जा सकते हैं। एक तो यहाँ से हम लोग यानी क्या कहते हैं चाइना बिना वीज़ा के आप लोग यहाँ से बिल्कुल जा सकते हैं, क्योंकि आने के लिए आप लोगों को फिर यही रास्ते से आप लोग आना पड़ेंगे। तो देखते हैं आप लोग ऊपर और भी बहुत सारे झील है यहाँ से ऊपर, वहाँ पर भी आपको हम दिखाएंगे, तो बने रहें दोस्तों। तो गाइस अभी हम लोगों ने जाने जो आपको सामने ग्लेशियर यानी बर्फ़ नज़र आ रहे हैं ना, अभी हम लोगों ने वहाँ पर जाने इंशाल्लाह। अभी हम लोग यहाँ से करीब हमारे यहाँ से रास्ता है 3 से 4 घंटे का, इंशाल्लाह कोशिश करते थोड़ा जल्दी जाए। अभी हम लोग हमारे पास टाइम भी इतने नहीं है, इसलिए हम थोड़ा जल्दी जा रहे हैं। सलाम अलैकुम, किधर जाके है छल ला अच्छा, आपके साथ कौन कौन है? हाँ अच्छा, कैसा लगा आप लोगों का यहाँ पर सफ़र? यहाँ पर आके आपको कैसा लगा? अच्छा आखिरी ग्लेशियर तक जाके आप लोग ग्लेशियर आखिरी गाँव पता कहाँ था बर्फ़ तक जाके है ना? अच्छा चलो ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? किधर जाके आप लोग? चल्ला यानी ग्लेशियर आखिरी ग्लेशियर जाते हैं, हाँ? कैसा लगा वहाँ जाके? बहुत खूबसूरत है। अभी हम लोगों ने जाना अच्छा पहुँचेंगे या नहीं? हम लोग पहुँचेंगे। अच्छा हाँ भाई आप भी ठीक हो? ये कानों पे क्या लगा आप लोगों ने? खुरश खुरश, ये बहुत खूबसूरत लग रहा है यार। ठीक है चलो ठीक है मिलते हैं। ग्लेशियर के सामने पानी थोड़ा ठंड ज़्यादा हुई, इसलिए यहाँ से हम इसमें ये खुबानी है इसमें हम पानी डालेंगे और वहाँ से हम थोड़ा रोटी के साथ इसको हम खाने, इसलिए यहाँ से पानी डाल के ताकि उधर पहुँचने से तैयार हो जाए, इसलिए हम यहाँ से पानी डालेंगे बिस्मिल्लाह ताकि ये तैयार हो जाए। अच्छा जी तो आप देख सकते हैं आखिरकार हम लोग ग्लेशियर के करीब पहुँच गए। आप देख सकते हैं अभी यहाँ से आधा से हमें 1 घंटे का रास्ता है। अभी हम लोग आपको ग्लेशियर पे जाके वहाँ से आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह, बने रहे दोस्तों। आप देख सकते हैं ग्लेशियर, ये रहा हिमालयन ग्लेशियर, ये आप देख सकते हैं। अभी हम लोग थोड़ा और ऊपर जाने की कोशिश करते हैं क्योंकि मौसम भी थोड़ा ख़राब हो चुका है, क्योंकि हम जितने ऊपर हैं कितना 1000 फीट होगा ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते। यहाँ पर तो बारिश होते नहीं है, बर्फ़बारी होते वो भी इतना ज़ोर से होते, इसलिए कोशिश करते लेकिन अभी थोड़ा ऊपर और जाते। आखिरकार हम लोग लास्ट झील पे पहुंच चुके हैं, यानी कि ग्लेशियर के आखिरी झील यही है। इससे ऊपर और झील आपको नज़र नहीं आएंगे क्योंकि बहुत ही खूबसूरत है। आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, बहुत ही मुश्किल के ढूंढने के बाद हमें मिला यहाँ पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी भी यहाँ पर बर्फ़ है, लेकिन इतना मौसम ठंड है ना क्या बताऊँ। भाई आप लोगों को हमारा व्लॉग कैसा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अभी के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़। इन पहाड़ों के सामने आप लोगों को बाय बाय गुड बाय, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।